अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए जी, आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ पेठे के हलवे की रेसिपी। तो इस साइज़ का पेठा हमने लिया, ठीक है। फिर इसको इसकी हमने कटिंग की और इसकी काशे बना ली सारे पेठे की। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को पुश ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो काशे कर ली थी, फिर हमने उनको छील लिया और अंदर से उनको अच्छे से साफ़ कर दिया। आज बहरिया टाउन में बहुत सख्त गर्मी है, इतनी तेज़ धूप निकली हुई है। नहीं जी, काशों को छील लिया था, साफ़ कर लिया था, उसके बाद हमने इनको बारीक बारीक स्लाइसेस में कटिंग कर ली। इनको ज़्यादा मोटा नहीं काटना, फिर ये जल्दी गलते नहीं हैं, ठीक है। तो बारीक बारीक स्लाइसेस कट करने हैं ताकि ये आसानी से जल्दी से गल जाएं। तो ये जी सारा पेठा हमने काट लिया और फिर हमने इसको अच्छे से छलनी में डाल के वॉश किया। और उसके बाद ये व्यू चेक करें आप विंडो से, देखें कितनी तेज़ धूप है। उसके बाद हमने इसको पकने के लिए स्टोव पे रख दिया और इसके अंदर हमने पानी ऐड किया। ये तकरीबन दो बाउल डाले थे, दो तीन बाउल पानी के, इतना डाला था कि ये अच्छे से डिप हो गए। और फिर इसको हमने स्लो फ्लेम पे गलने के लिए रख दिया। ये जी देखें, गलने के बाद ये कुछ इस कंडीशन में आ गया था। फिर इसको चम्मच से मतलब ये इतना टेंडर हो चुका था कि जब ये चम्मच हिलाने से ना ये मैश हो रहा था, इसको हमने चम्मच से ही मैश कर लिया था ऐसे। फिर उसके बाद जो है हमने एक प्याली चीनी की ली। तो ये जो है ना, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। हमने एक प्याली डाली थी, फिर उसके बाद हमने इसकी भुनाई की थी। भुनाई के दौरान हमने इसका टेस्ट किया था तो थोड़ी सी कम लगी थी, थोड़ी सी हमने और डाल ली थी। तो आप भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ये एक प्याली हमने व्हीट फ्लोर लिया है, गंदम का आटा, और ये तीन चार इलायची ली हैं। तो इलायची के हमने इसको खोल लिया है देसी घी लिया हमने, और ये हमने पतीला लिया, उसमें हमने देखें इतना देसी घी डाल दिया। हलवे में ना घी थोड़ा अच्छा ही थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मतलब ये इसमें हमने इलायची डाल दी, जब ये इलायची कड़कड़ाने लगेगी तो फिर इसके अंदर हमने ये गंदम का आटा डाल दिया। और इसको हमने ना स्लो फ्लेम पे भूनना है, इतना भूनना है कि इसकी ना खुशबू आने लग जाती है। लेकिन आपने इसको ज़्यादा भी नहीं भूनना कि इसका कलर ब्लैक हो जाए, ठीक है। भूनने के बाद फिर इसके अंदर हमने ऐड कर दिया वो हमारा पेठे का हलवा जो था, और ये रेडी हो गया। इसको हमने आलमंड्स वगैरह से गार्निश कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।